स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं सुमित और इलस्ट्रेटर में हम देख रहे हैं पैकेजिंग डिजाइन, और पैकेजिंग डिजाइन में आज हम देखेंगे प्रिंटिंग के लेआउट को, यानी कि शॉपिंग बैग के प्रिंटिंग के लेआउट को। शॉपिंग बैग भी कह सकते हो या फिर पेपर बैग भी आप कह सकते हो। प्रिंटिंग के लेआउट में हम देखेंगे ब्लीड, क्रीज लाइन और डाई लाइन, इन तमाम सी चीजों को डिटेल में समझेंगे किस तरह से और कैसे बनाया जाता है। वीडियो को जरूर से पूरा देखना क्योंकि हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। पर उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना कभी ना भूले। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का, आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये है जी हमारा शॉपिंग बैग, या फिर आप इसको पेपर बैग भी कह सकते हो, ठीक है जी। इसके प्रिंटिंग के लेआउट को देखेंगे, पर उससे पहले मैं ये बता दूं कि शॉपिंग बैग का जो साइज है वो हमेशा एक कस्टम साइज ही रहता है, क्योंकि एक बड़े ब्रांड कंपनी से लेकर एक लोकल कंपनी तक आजकल सभी लोग शॉपिंग बैग बनवाते हैं, ठीक है जी। ये कई सारे स्टाइल में आते हैं, जैसे कि ये रूफ वाला हैंडल देख रहे हो आप, किसी में आप देखोगे पेपर का हैंडल भी आपको मिलेगा, ठीक है। दूसरा एक और बैग आता है जिसमें यहाँ से कट किया जाता है, ठीक है, एक हैंडल की तरह एक डी शेप बनाया जाता है, जिसको डी शेप हैंडल कहते हैं, ठीक है। तो कुछ उस स्टाइल में भी बनाया जाता है, और भी कई तरह के स्टाइल है, खैर उनको आज नहीं देखेंगे, उनको किसी और वीडियो में मैं बता दूंगा। उनका तरीका अलग है, उसके प्रिंटिंग का लेआउट अलग होता है इस बैग से। तो ज्यादातर जो यूज करते हैं कुछ इसी तरह का बैग को यूज करते हैं। इसकी एक खासियत और होती है कि ये दिखने में थोड़ा सा बॉक्स की तरह तो लगता ही है, इसको आप फोल्ड करके भी रख सकते हो पूरी तरह से, तो यहाँ से भी फोल्ड हो जाता है, यहाँ से भी, और नीचे का ये जो पार्ट है ये भी फोल्ड होके एक साइड में चला जाता है। तो इसके प्रिंटिंग के लेआउट को देखेंगे, जैसे कि मैंने कहा इसका साइज एक हमेशा कस्टम साइज ही होता है, तो इसका कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं होता है। जो साइज आज हमने लिया है, या यूं समझ लीजिए कि हमारे क्लाइंट ने हमें जो साइज दिया है वो एक मीडियम साइज का बैग का साइज है, ना बहुत ज्यादा बड़ा ना बहुत ज्यादा छोटा, ठीक है। आपका क्लाइंट ही आपको साइज देगा, तो जब भी आप इस तरह का डिजाइन करें, पहले उससे पहले अपने क्लाइंट से अच्छी तरह से बात करके एक साइज को क्रिएट कीजिए। तो साइज लेंगे हम लेंथ, हाइट और विड्थ में। लेंथ होगा 304, तो लेंथ है जी ये ऊपर का, ठीक है जी, और हाइट होगा जी 405, तो हाइट हो गया जी ये, ठीक है, और विड्थ को दो पार्ट में लेंगे 51 102, टोटल होगा 102। ये बीच में आप देख रहे हो ये क्रीज आ रहा है, ठीक है, इसको फोल्ड जहां से हो रहा है उसको क्रीज कहते हैं। तो ये दो पार्ट में बनेगा 51 51, यानी कि टोटल यहां से यहां तक 102 होगा इसका साइज, ठीक है, इसको विड्थ कहते हैं। तो चलिए एक साइज ले लेते हैं, पर उससे पहले मैं ये कर रहा हूँ जी, मैं इनकी एक कॉपी कर लूं ताकि मुझे साइज देखने इस डॉक्यूमेंट में ना आना पड़े। फाइल में जाएंगे और न्यू में मैं क्लिक कर रहा हूं। तो लीजिए जी हम न्यू डॉक्यूमेंट में आ गए, तो सबसे पहले हमें आना है प्रिंट में। तो लीजिए हम प्रिंट में आ गए, और यहाँ पे आकर एक कोई भी आप साइज ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है, जो आप साइज लेना चाहो लेकर एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लीजिए, फिर उसके बाद आप आर्टबोर्ड को छोटा बड़ा कर सकते हो। ओरिएंटेशन मैं ले रहा हूँ जी लैंडस्केप और आर्टबोर्ड 1। यूनिट मैं ले रहा हूं यहाँ से मिलीमीटर, क्योंकि हमारे क्लाइंट ने मिलीमीटर में दिया, या फिर जिस भी यूनिट में आपने देखना है उसमें आप ले सकते हो। ब्लीड की कोई जरूरत नहीं, ब्लीड हम मैन्युअली बाद में क्रिएट करेंगे। एडवांस ऑप्शन में आ जाए तो यहाँ पे कलर मोड को CMYK के कलर मोड में रखेंगे, क्योंकि हम प्रिंटिंग के लिए काम कर रहे हैं। उसी तरह से रास्टर इफेक्ट को 300 PPI में रखेंगे, क्योंकि हम प्रिंटिंग के लिए काम कर रहे हैं और क्रिएट करेंगे। Alright, so ये लीजिए जी हमारा एक न्यू डॉक्यूमेंट आ गया है जी, और हम पेस्ट कर देते हैं हमारे साइज को। ये लीजिए जी पेस्ट हो गया, इसको उठाकर मैं साइड में कहीं रख रहा हूं। अब ये साइज ले लेंगे, लेंथ और विड्थ को सबसे पहले लेंगे। तो यहां से ले रहा हूं जी मैं रेक्टेंगल, क्लिक कर रहा हूं, साइज पूछेगा। अब देखिए यहाँ जो विड्थ है, विड्थ की जगह मैंने लेना है लेंथ को, ठीक है जी, 304 ले लिया, और हाइट है जी यहाँ पे हाइट की जगह हाइट ही लेना है 405, और ओके करते ही एक बड़ा सा रेक्टेंगल हमारे पास आ जाता है। अब मैं ये कर रहा हूं जी, मैं इस आर्टबोर्ड को थोड़ा सा बड़ा कर लूं,
ताकि जो हमारा लेआउट है उसके अंदर अच्छी तरह से आ जाए। ठीक है जी, ऑलराइट, ओके। जो है जी हमारा रेक्टेंगल वो वाइट में है, तो मैं इसका फिल से स्ट्रोक में ले रहा हूं, ये लीजिए स्ट्रोक में आ गया। ठीक है जी, अब स्ट्रोक का जो विड्थ है मैं 3 पॉइंट में ले रहा हूं। अब 3 पॉइंट में मैंने इसलिए लिया ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए या दिखाई दे। जब भी आप खुद डिजाइन करोगे तो 0.5 से ऊपर मत रखना, इसको पतले से पतला ही रखना। तो खैर मैं उठाकर इसको सेंटर में कहीं लेके आ रहा हूं। अब क्रिएट करेंगे जी हम विड्थ को। ठीक है जी, तो विड्थ को क्रिएट करने के लिए देखिए सबका काम करने का तरीका अलग अलग रहता है। बहुत से सब्सक्राइबर कमेंट पे ये कमेंट करते हैं, सर आपने ऐसे करके क्यों किया, ये तो ऐसे करके भी कर सकते थे। भाई कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, एक काम करने के हजारों तरीके होते हैं, आपको जो तरीका पसंद है आप उसमें कर लेना। मेरे को जो तरीका पसंद है मैं उसमें बताता हूँ आपको। ठीक है, अब कोशिश मैं करता हूँ एक आसान सा तरीका मैं आपको बताऊं, पर एक तरीका मैं आपको आज बता रहा हूँ। देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐसे करके कॉपी करके यू करते हैं। ठीक है, हालांकि मैं भी सिखाते वक्त ऐसे ही बताता हूँ आपको, लेकिन बहुत से सब्सक्राइबर मुझे कमेंट पे कहते हैं, सर हमने इस तरह से जब अटैच किया दो रेक्टेंगल को और बाद में हमने अच्छी तरह से देखा तो वो एक दूसरे से अटैच नहीं होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए ऐसा कई वजह भी होती है होने की, इसका एक मैं अच्छा तरीका आपको बताऊं। देखिए एक परफेक्ट तरीके से आप काम कीजिए, सबसे पहले रेक्टेंगल को सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, आपको थोड़ा सा अजीब तरीका लगेगा ये, लेकिन यूं पूछिए कि मैं ज़्यादातर इसी तरीके से काम करता हूँ, बाद में चेक नहीं करना पड़ता है कि जो दो शेप है एक दूसरे से अटैच सही से हुए हैं नहीं, बार बार वायर फ्रेम में जाके मुझे चेक नहीं करना होता है। अब इसका ये सही तरीका ये है कि मैं इसकी कॉपी कर लूँ, कंट्रोल सी से भी कर सकते हो और फिर फ्रंट में ही पेस्ट कर दूँ, कंट्रोल एफ से भी कर सकते हो या फिर आप एडिट में जाकर पेस्टिंग फ्रंट कर सकते हो। उसके बाद रेफरेंस पॉइंट आपने रखना राइट साइड में, ट्रांसफॉर्म के पैनल में भी आपको मिल जाएगा, ये देखिए। ठीक है, रिफ्लेक्ट कर देना यहाँ पे कुछ इस तरह से, ये सबसे अच्छा तरीका होता है, सबसे एक परफेक्ट तरीका, राइट। सो अब मैं इसका साइज लूंगा तो यहाँ पे आ जाते हैं और रेफरेंस पॉइंट वापस से मैं इसको लेफ्ट की तरफ कर देता हूँ और विड्थ में आकर 51 लेंगे। ठीक है जी, सो अब मैं फिर से इसकी कॉपी करूंगा, वही कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करूंगा और रेफरेंस पॉइंट राइट की तरफ और फ्लिप कर देंगे। ठीक है जी, अब ये देखिए ये दोनों मिलकर 102 होते हैं साइज। ठीक है जी, यहाँ देखिए आप, राइट। सो इतना होने के बाद जी अब हम आ जाते हैं इस तरफ, मैं इसको उठाकर पूरा इस तरफ लेके आता हूँ, राइट। अब इसी का ये कॉपी करेंगे कंट्रोल सी कंट्रोल एफ और कंट्रोल जी से ग्रुप भी कर देंगे और इसको रिफ्लेक्ट कर देंगे। यहाँ पे देखिए रेफरेंस पॉइंट राइट की तरफ ही है और कुछ इस तरह से। अब रेफरेंस पॉइंट बिल्कुल सेंटर में लेके आना है और फिर इसको भी रिफ्लेक्ट करना है कुछ इस तरह से, राइट। ऑलराइट, सो इतना होने के बाद जी अब ये देखिए ये होगी, मान लीजिए हमारा फ्रंट हो गया, ये हो गया राइट, ये बैक और ये लेफ्ट साइड, राइट। मैं आपको दिखा दूं, ये है जी आपका फ्रंट, ये है जी आपका फ्रंट राइट, इधर लेफ्ट और पीछे बैक। ठीक है जी, ऑलराइट। अब देखिए जी यहाँ पे एक और हमें एक ग्लू मार्जिन भी रखना है या पेस्टिंग स्पेस भी बहुत से लोग बोलते हैं। ग्लू मार्जिन के लिए मैं इसी रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर रहा हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल एफ और रेफरेंस पॉइंट लेफ्ट की तरफ लगाकर इसको इस तरह से रिफ्लेक्ट कर दूँ। ठीक है जी, इतना होने के बाद जी अब इसका साइज कितना रहे, देखिए इसका साइज डिपेंड करता है कि आपका बैग का साइज कितना है। 10 mm से लेकर 15 mm, 18 mm, 20, 25 mm, 30 mm तक लेके जा सकते हैं लोग। देख लेना जी आपको साइज कितना बड़ा या कितना छोटा लेना है। ठीक है, तो मैं इसका साइज ले रहा हूँ 20 mm और रेफरेंस पॉइंट मैं फिर से राइट की तरफ लेके आ रहा हूँ और विड्थ में आकर इसको 20 mm करता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है जी, ऑलराइट।
सो अब आ जाते हैं जी ऊपर की तरफ। ऊपर एक पार्ट और आएगा जो फोल्ड होके हमेशा अंदर की तरफ बैक की तरफ जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो ये पब वाला पार्ट है ना, ये आपको जो पार्ट दिख रहा है ऐसा ही पार्ट इसके अंदर भी होता है जो फोल्ड होके अंदर की तरफ जाता है, तो वो हम क्रिएट करेंगे। उसके लिए मैं इन सबको पहले सेलेक्ट कर लूँ कंट्रोल शिफ्ट जी से, पहले जो ग्रुप है उनको अनग्रुप कर दूँ और कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल एफ से फ्रंट में ही पेस्ट कर रहा हूँ और कंट्रोल जी से इनको ग्रुप भी कर रहा हूँ। अब मैं ऊपर की तरफ रेफरेंस पॉइंट लगाकर इसको वर्टिकली रिफ्लेक्ट करेंगे। ऑलराइट, सो ये हो गया जी हमारा रिफ्लेक्ट। अब हमने इसका साइज लेना, साइज कितना लेना है, जितना हमने विड्थ में लिया था वही इसका हाइट लेंगे, ठीक है जी। ट्रांसफॉर्म के पैनल में आ जाए और रेफरेंस पॉइंट नीचे की तरफ लगाएंगे, हाइट में आ जाएंगे और 102 हमने लिया था विड्थ में, तो ये लीजिए जी हमारा एक साइज आ गया, ठीक है जी। अब साइज आने के बाद जी देखिए ये अंदर की तरफ फोल्ड होता है तो यहाँ पे हैंडल के लिए दो होल्स भी बनाने पड़ते हैं, दो नहीं ये चार होते हैं, क्योंकि ये फोल्ड होके अंदर की तरफ आएगा तो दो नीचे की तरफ दो ऊपर की तरफ, ऐसे ही यहाँ पे भी, ठीक है। अब उसके लिए जी मैं ये करूँगा, पहले तो कंट्रोल शिफ्ट जी से इनको अनग्रुप कर दूँ सबको और एक हम ले लेंगे यहाँ से एलिप्स, ठीक है। क्लिक करेंगे, इसका साइज आपने कितना रखना है देख लेना, रूफ का अगर थिकनेस उसकी 10 mm होगी तो आप 11 mm ले सकते हो विड्थ में और हाइट में, ठीक है। तो मैं ये कर रहा हूँ जी, मैं 11 mm कर देता हूँ और कुछ इस तरह से, थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ता है। देखिए इसको ऐसे ही नहीं होल करके ही एक रूफ डाल के एक हैंडल की तरफ बनाया जाता है, उसमें एक मेटल का रिंग भी बहुत से लोग डालते हैं, थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, एक मजबूती भी आती है। मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, देखिए यहाँ पे एक मेटल का रिंग भी डलता है, तो इसका होल थोड़ा सा 1 mm बड़ा रखना पड़ता है ताकि वो रिंग भी आ जाए इसके अंदर, ठीक है। ऑलराइट, सो इतना होने के बाद जी मैं, आप देखिए इसको ऐसे ही उठाकर यूं कहीं पे भी नहीं रखना है, इसका रखने का एक तरीका है। सबसे पहले जी इस रेक्टेंगल को हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करेंगे, एक कॉपी मैंने कर दिया। अब इसका हाफ कर देंगे, देखिए ये जो सेंटर पॉइंट है इसको यहाँ तक लेके आएंगे, ये देखिए सेंटर दिखा रहा है, छोड़ दीजिए। अब इस एलिप्स को इस रेक्टेंगल के साथ हम अलाइन कर देंगे, ये लीजिए, ठीक है जी। अब देखिए इन दोनों को फिर से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसकी एक डुप्लीकेट का आप चाहो तो ऐसे कर लो, या फिर दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कंट्रोल एफ और रेफरेंस पॉइंट मैं लगा रहा हूँ जी राइट की तरफ और रिफ्लेक्ट कर देंगे कुछ ऐसे करके, ठीक है जी। ऑलराइट, फिर से मैं करूँगा जी इस रेक्टेंगल और इस इन दोनों को सेलेक्ट किया मैंने और इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी, ठीक है। कंट्रोल सी कंट्रोल एफ और कंट्रोल जी से ग्रुप। अब इसको नीचे की तरफ लेके जाना है तो नीचे की तरफ रेफरेंस पॉइंट लगा के इसको वर्टिकली फ्लिप कर देंगे या फिर रिफ्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट जी से अब हम अनग्रुप इसको कर सकते हैं, या फिर इधर भी लाना है तो यूं ही कर लीजिए, इसको अनग्रुप नहीं भी करेंगे तो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ ऐसे करके और इसको ऐसे करके कॉपी कर लें, ठीक है। कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ, शिफ्ट की प्रेस करते हुए यहाँ पे इस रेक्टेंगल के साथ हम अलाइन कर देंगे, ठीक है, यूं और यूं कर, ठीक है, यूं और ऐसे करके हमने अलाइन कर दिया, ठीक है जी। डी सेलेक्ट करने के बाद जी मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल एफ और नीचे की तरफ रेफरेंस पॉइंट और इसको वर्टिकली रिफ्लेक्ट कर देंगे, तो ये लीजिए जी कुछ इस तरह से आएगा, ये एक परफेक्ट तरीका होता है, सही तरीका जिस तरह है, ठीक है जी। मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ सबको, कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप कर रहा हूँ। अब ये जितने भी रेक्टेंगल हैं इनको चाहो तो आप डिलीट कर सकते हो, यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप करूँगा और इसको सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर दूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे, सेलेक्ट करेंगे डिलीट डिलीट और कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप करके और इसको भी डिलीट कर देंगे, ये लीजिए जी कुछ इस तरह से, ठीक है जी।
ऑलराइट, सो इतना होने के बाद जी अब आ जाते हैं जी बॉटम में, ठीक है। बॉटम में हम बनाएंगे इसको, तो बॉटम का साइज लेने के लिए जी मैं यहां से ले लेता हूं इनको, ठीक है जी, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ और कंट्रोल जी, ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल एफ से फ्रंट में ही पेस्ट और कंट्रोल जी से ग्रुप करेंगे, ठीक है। अब मैं इसको इस रेक्टेंगल के साथ बॉटम में इसको अलाइन करूंगा, तो अलाइन के पैनल में जाएंगे, मैं इसको मास्टर कर दूं और यहां से बॉटम में अलाइन कर देंगे, ठीक है जी। डीसेलेक्ट करने के बाद अब वापस से इस ग्रुप को सेलेक्ट करना है और इसको नीचे की तरफ यानी कि बॉटम में इसका रेफरेंस पॉइंट लगा के रिफ्लेक्ट कर देगा इसको, ठीक है जी। कुछ इस तरह से हो गया। अब देखिए मैं इसकी एक यूं कर रहा हूं जी, मैं इसको छोटा करने वाला हूं, ठीक है। जितना हमने इसको 51 लिया था तो उतना ही इसको करेंगे, तो इसके हाइट को यानी कि ऊपर की साइड में लेके जाएंगे और हाइट में 51 का मैं साइज दे रहा हूं और कुछ इस तरह से, ठीक है जी। अब एक काम और करेंगे, फिर से मैं ये ले रहा हूं यहां से एक और मैं कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ कंट्रोल जी और शिफ्ट की प्रेस करते हुए इसके साथ अलाइन करेंगे, ठीक है जी। ये आ गया जी बॉटम में और इसको सेलेक्ट करने के बाद बॉटम में इसे नीचे की तरफ रेफरेंस पॉइंट और यू करके रिफ्लेक्ट कर देंगे, तो कुछ हमें ऐसे करके मिल जाता है, ठीक है जी। अब इन सबको सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट जी से, जो भी है सबको हम अनग्रुप कर देंगे। हम अब इसको इसमें हम क्रिएट करेंगे क्रीज लाइन, ठीक है जी। क्रीज लाइन क्या चीज है, जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, या जो नए हमारे साथ जुड़े हैं वो उनके लिए है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे फोल्ड हो रहा है, ठीक है, यहाँ से भी फोल्ड हो रहा है, जैसे कि मैंने कहा इसको नीचे से भी फोल्ड किया जाता है और यहां से भी फोल्ड किया जाता है, यानी कि ये फोल्ड होके पीछे की तरफ चला जाता है, तो ये जहां जहां से फोल्ड हो रहा है उसको कहा जाता है क्रीज लाइन, ठीक है। उस फोल्ड को बनाने के लिए क्रीज लाइन क्रिएट किया जाता है, यानी कि एक मार्किंग किया जाता है, उसको कहा जाता है क्रीज लाइन। अब उसको हम क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए मैं यहां से लूंगा जी ट्रायंगल ले लेते हैं, स्टार टूल को ले लिया मैंने और यहां इसको हम बनाएंगे ट्रायंगल, ठीक है जी। ऑलराइट, तो साइज साइज कोई भी हो, लेकिन ये देखिए इसका जो टॉप कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर, यहां पे जो दो लाइन क्रॉस हो रहे हैं ना, इसके बिल्कुल बीच में लाकर रखना है आपको, ठीक है, ऐसे करके यू करके लाके रख दीजिए, ठीक है जी। अब इसको दोनों साइड से आपने फैलाना है ताकि ये जो लाइन है इस दो क्रॉस होते हुए लाइन के बीच में आकर रुक जाए, ठीक है। देखिए कुछ इस तरह से, ये देखिए कुछ ऐसे करके, ठीक है जी, यहां देख पा रहे हो, इस तरह से आप हमें चाहिए, राइट। सो इतना होने के बाद अब हम इसकी करेंगे कॉपी, ठीक है। इसकी कॉपी करके जी मैं यहां पे भी लगा देता हूं यूं करके, ठीक है। एक और कॉपी करेंगे तो इसकी एक और कॉपी करके, अब यहां ध्यान रखना है कि जी यहां पे इस वाले लाइन का आपने ध्यान रखना है। थोड़ा सा जूम करके अगर देखें तो ये देखिए बिल्कुल सेंटर में तो नहीं आया, तो इसको थोड़ा सा जूम करके हमेशा शिफ्ट की मदद से यानी शिफ्ट की प्रेस करते हुए आपने आगे पीछे इसको करना है। यहां पे कुछ नहीं करना है आपने, बस यहां पे आपने नजर रखना है यहां पे, ठीक है जी। ऑलराइट, सो इतने होने के बाद ये जो बाहर जा रहा है लाइन उसको कट कर देंगे, इसको हटाएंगे, तो इसको हटाने के लिए जी मैं इन सभी ट्रायंगल को सेलेक्ट कर लेता हूं और यहां से ले लेंगे जी हम एड एंकर पॉइंट, ठीक है जी। अब यहां पे एंकर पॉइंट हम ऐड करेंगे जहां ये जो बॉर्डर लाइन है, याद रखिए इस बॉर्डर लाइन के ऊपर जो भी लाइन आ रहा है उसको हमने एक एक उसमें एंकर पॉइंट को ऐड करना है, ठीक है। एक एंकर पॉइंट वहां ऐड कर दिया, एक यहां पे, ठीक है जी, और एक जी यहां पे कहीं कर देते हैं। अब यहां पे आ जाते हैं थोड़ा सा जूम आउट करके, यहां पे एक यहां ऐड कर देते हैं और एक जी यहां पे और एक हमें यहां पे भी करना है, देखिए यहां, ठीक है जी। इतना होने के बाद यहां से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेंगे और जो बाहर के लाइन है बस उसको पकड़ के हमने डिलीट कर देना है,
ये देखिए कुछ इस तरह से, कुछ ऐसे और कुछ यू। ये एंकर पॉइंट भी है, इनको भी डिलीट कर देना है, कुछ इस तरह से। ठीक है जी, ऑलराइट। तो अभी क्रीज लाइन हमने क्रिएट नहीं किया, हम इसी लाइन को ही क्रीज लाइन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए अब क्रीज लाइन के लिए एक न्यू लेयर हम क्रिएट करते हैं, एक न्यू लेयर हम क्रिएट करेंगे। याद रखिए, जो भी काम करिए उसको हमेशा अलग अलग लेयर पे काम कीजिए, लेयर वाइज काम कीजिए, तो आपका काम हमेशा मैनेज रहेगा, फ्रीडम भी रहेगा आपके काम में। ठीक है, तो क्रीज लाइन नेम रख रहा हूं, अब कुछ भी रख सकते हो नेम। मैं एक काम ये करूंगा जी, मैं इनको कंट्रोल जी से ग्रुप कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको अलाइन करूंगा आर्टबोर्ड के साथ, सेंटर अलाइन कर देता हूँ ताकि ये सही तरीके से बीच में आ जाए। ठीक है, ऑलराइट। सो इतना होने के बाद कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप कर रहा हूं मैं, और क्रीज लाइन जो भी होते हैं, ये बॉर्डर लाइन के, ये जो बॉर्डर में है आपको लाइन दिख रहा है, इसके अंदर जितने भी लाइन है वो सारे क्रीज लाइन है, बस ये सर्कल को छोड़ के। ठीक है, इन सबको सेलेक्ट करना है, बस ये बॉर्डर वाले लाइन को सेलेक्ट मत करना। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और यहां से इसको इस तरह से शिफ्ट की प्रेस कर लीजिए, और ऐसे करके अपनी ड्रैग करके सेलेक्ट करना है। ठीक है जी, ये सेलेक्ट हो गया। अब यहां आ जाते हैं और यहां पे इन नीचे वाली लाइंस को सेलेक्ट करते हैं, या फिर एक काम यू कर सकते हैं, इसको यू करके आपने सेलेक्ट करना है, यू और इस तरह से सेलेक्ट करना है। ठीक है जी, अब इसको चेक करने के लिए कि जी हमने जो जो सेलेक्ट किया है वो सेलेक्ट हुए हैं या नहीं, कंट्रोल एक्स से प्रेस करना है। देखिए यहाँ पे एक लाइन सेलेक्ट नहीं हुआ, तो इससे कंट्रोल जेड से वापस लेके आ रहा हूं, और शिफ्ट की प्रेस करते हुए इसको भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। वापस से मैं कंट्रोल एक्स प्रेस कर रहा हूँ, तो ये देखिए जी हमारा सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल जेड करेंगे वापस, और इसकी हम कॉपी कर लेंगे, बस कॉपी करना है हमने, और पेस्ट करेंगे अपनी क्रीज लाइन वाले लेयर में। तो एडिट में जाके पेस्ट इन प्लेस कर देंगे, तो ये लीजिए जी पेस्ट हो गया है। मैं प्रॉपर्टी में आ रहा हूँ, स्ट्रोक का जो साइज है, मैं वही जो शुरू में मैंने बताया था 0.5 लेना आपने, तो मैं 0.5 ले रहा हूँ उसको। ठीक है, मैं इसका कलर भी चेंज कर दूंगा ताकि समझ में आए। मैं हमेशा इसको क्रीज लाइन को ब्लू कलर में रखता हूँ, जरूरी नहीं है, आप ग्रीन भी रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूँ, ये देखिए जी ब्लू कलर आ गया। अब इसको डैश में बदल सकते हो, मैं तो हमेशा डैश लाइन में ही रखता हूँ, तो ये लीजिए जी मैंने डैश लाइन ले लिया। डैश लाइन का जो साइज है उसको 5 पॉइंट में हम ले लेंगे, तो ये लीजिए जी हमारा क्रीज लाइन आ गया। ठीक है, वापस जाएंगे, इसको थोड़ी देर के लिए लॉक करके हाइड कर देते हैं। अब आ जाते हैं जी हम ब्लीड पे, ब्लीड को क्रिएट करेंगे। तो ब्लीड के लिए जी इन सबको पहले मैं सेलेक्ट कर लूं, और जितने भी सर्कल है इनको डी सेलेक्ट अपने करना है, शिफ्ट की प्रेस करते हुए बस एक एक बार उस पर क्लिक करना है, और वो डी सेलेक्ट हो जाते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से। अब इसको सेलेक्ट ही रहने देना, पाथ फाइंडर में आ जाना, और यहां से यूनाइट कर देंगे, तो हमें कुछ ऐसे मिल जाता है। अब यूनाइट होने के बाद जी इसको सेलेक्ट ही रहने देंगे, डी सेलेक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, थोड़ा सा जूम कर रहा हूं मैं। अब सेलेक्ट होने के बाद ऑब्जेक्ट में जाएंगे पाथ, और यहां से ऑफसेट पाथ को ले लेंगे। ठीक है, अब ऑफसेट ब्लीड का डिस्टेंस कितना होगा, देखिए ये जो अंदर वाला है ये होगा हमारा डाइलाइन, और बाहर वाला हुआ ब्लीड। अब ब्लीड और डाइलाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो मिनिमम 3 mm का होता है, और मैक्सिमम आप कितना भी ले सकते हो, ठीक है वो आपकी मर्जी है। तो मैं 3 mm ले रहा हूं और ओके कर रहा हूं, तो ये आ गया जी 3 mm के डिस्टेंस पे। अब इसका जो कलर है जी, मैं रेड या वट एवर जो भी आपका करना है कर लीजिए, मैं रेड ही करता हूं, और इसको मैं एडिट में जाकर कट कर देता हूं, क्योंकि मुझे इस लेयर पे नहीं रखना है, मुझे दूसरे लेयर पे रखना है। मैं एक और न्यू लेयर क्रिएट करूंगा और इसका नेम रखूंगा प्लीट। ठीक है जी, अब आ जाएंगे जी एडिट में और पेस्ट इन प्लेस करेंगे, और ये आ गया जी इस वाली लेयर, इसको भी लॉक करके हाइड कर देंगे। अब आ जाते हैं जी डाइलाइन में, ये जो नीचे वाला लेयर हमारा बचा है इसका नेम हम कर देंगे डाइलाइन। ठीक है जी,
अब ब्लीड क्या है, डाई लाइन क्या है, अभी मैं आपको समझा देता हूँ। क्रीज लाइन के बारे में तो मैंने बता दिया है। डाई लाइन के लिए देखिए ऐसे ही मत छोड़िए, डाई लाइन के लिए सबको सेलेक्ट करना है आपको। सेलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में आ जाइए, नीचे आ जाइए सबसे नीचे, तो सबसे नीचे आपको मिलेगा कंपाउंड पाथ और इसको मेक कर दीजिए। तो ये हो गया जी हमारा डाई लाइन, ठीक है जी। इतना होने के बाद जी मैं इसको ऑर्डर में रखता हूं, हमेशा याद रखिए इसको ऑर्डर में जरूर रखा कीजिए। डाई लाइन को सबसे ऊपर रखना होता है, तो पहले मैं इनको अनलॉक कर दूं और इसको ऊपर लेके जाता हूं, ठीक है। ब्लीड को सबसे नीचे रखना पड़ता है। अब मैं शो कर रहा हूं और लॉक भी कर रहा हूं, क्रीज लाइन बीच में कहीं रहेगा, ठीक है। देखिए डाई लाइन का काम क्या है, अब देखिए डाई लाइन का काम ये होता है जी, डाई लाइन का काम ये शेप निकालना होता है। ये जो है पेपर बैग, ये एक बड़े शीट में प्रिंट होगा। अब उस बड़े शीट से काट कर जब निकाला जाएगा, उसे डाई लाइन से ही काट कर निकाला जाएगा। इस लाइन को भेजा जाता है डाई के लिए। डाई एक बनती है कटिंग की डाई, ठीक है। उस कटिंग की डाई को कटिंग मशीन में लगाकर पंच करके एक शेप निकाला जाता है, ठीक है जी। ब्लीड का जो काम है जी, ब्लीड का काम ये होता है, ये हमारा ब्लीड हम जब भी डिजाइन करते हैं प्रिंटिंग के लिए, हम एक्स्ट्रा डिजाइन करते हैं। एक्स्ट्रा इसलिए करते हैं, जब हम यहां से कटिंग करेंगे, जो हमारा बैकग्राउंड है वो एजिस तक नजर आए बस। क्योंकि आपने अगर ब्लीड नहीं लिया और यहां तक आपने डिजाइन कर दिया और प्रिंट करवाओगे, तो प्रिंट होने के बाद होगा क्या कि प्रिंट हमेशा एक्यूरेट एक जगह पे नहीं होता है, ठीक है। आजकल तो डिजिटल मशीन में भी आ गए हैं, लेकिन वो बात नहीं होती है। देखिए रिस्क नहीं लेना चाहिए इन कामों में, आपका उसमें नुकसान होगा, तो रिस्क ना लेकर आपने ब्लीड जरूर ले। अब देखिए अगर ब्लीड नहीं लेंगे तो प्रिंट होगा यहाँ पे, लेकिन प्रिंट अंदर भी हो सकता है। अगर थोड़ी पुरानी मशीन में आप प्रिंट करा रहे हो, ठीक है, तो थोड़ा सा वो क्या करता है, एक ही जगह प्रिंट नहीं करता, एक्यूरेट जगह पे प्रिंट नहीं करता, थोड़ा सा अंदर की तरफ खिसक के आ जाता है। तो ऐसे में बुरा लगेगा, क्योंकि वाइट स्पेस आ जाएगा जब आप थोड़ा सा अंदर की तरफ आपका प्रिंट आ जाए, तो वो ना हो इसीलिए हम ब्लीड लेते हैं। और ब्लीड लेना बिल्कुल सही होता है, आप ब्लीड लेकर ही काम कीजिए, ठीक है जी। क्रीज लाइन के लिए मैंने बता दिया। यहाँ देखिए हमने एक क्रीज लाइन और क्रिएट किया है, ये वाला, ठीक है। इसके लिए मैं बता दूं, यहाँ अगर आ जाए तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए फोल्ड, ये इसको कहा जाता है क्रीज लाइन। तो यहाँ पे भी फोल्ड होता है और यहाँ पे भी होता है। देखिए मैं आपको दिखा दूं, ये जो लाइन जा रहा है, ये वाला लाइन है यहाँ पे, ठीक है, ये साइड में फोल्ड होके जाता है। ऑलराइट, सो ये कंप्लीट हुआ जी हमारा प्रिंटिंग का लेआउट शॉपिंग बैग के लिए। तो शॉपिंग बैग में हम डिजाइन अगली ट्यूटोरियल में करेंगे, इसी प्रिंटिंग के लेआउट को ले जाकर। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको जरूर से पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड, आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले पैकेजिंग डिजाइन की ट्यूटोरियल के साथ एक बार फिर से मैं आऊंगा एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।